इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर सोलर सोलर के लिए इंस्टॉल कैपेसिटी एज ऑफ नवंबर इज 62 गीगावाट्स और सोलर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है रिन्यूअल एनर्जी में ठीक है और जब हम 500 सौ का एम लेकर चल रहे हैं तो सोचिए कि सोलर का उसमें कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है सोलर का लगभग लगभग टू थर्टी टू टू फोर्टी गीगा, का होगा achieve, 500 गीगा 2030. तो जब हमको फाइव हंड्रेड गीगा वॉट के बनाने के लिए दो सौ चालीस गीगा वॉट तक के प्लांट्स लगाने पड़ेंगे सोलर केपेसिटी इंस्टॉल करनी पड़ेगी तो उसके साथ एक समस्या और आएगी जो इस आर्टिकल में एड्रेस करने का प्रयास किया है दैट इज फोटोवोल्टिक वेस्टेज इंडिया में फोटोवोल्टिक सेल जो जिस मॉड्यूल में हमारे यहां सोलर पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जाते हैं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी इन नॉर्मल पीवी पैनल फोटोवोल्टिक पैनल सीएसआई मॉड्यूल इज 93% थ्री परसेंट एंड कैडमियम टेलोराइड थिन मॉड्यूल इज 7%। परसेंट तो सीएसआई का जो मॉड्यूल के अंदर जो वेस्टेजेस निकलता है एक बार पूरा इस्तेमाल होने के बाद में जो वेस्टेज निकल करके आता है उसको अगर हम देखें तो फ्रेम निकल करके आती है जो एल्यूमिनियम के लगभग बनी होती है वायर्स निकल करके आते हैं कॉपर के इसके बाद सिल्वर टिन लेड सिलिकॉन सेमी ठीक है तो ये सारी चीजें उससे निकल करके आती है ऐसा तो वेस्ट अब प्रॉब्लम है कि जब तक यह वेस्ट कम है जब तक कोई समस्या नहीं है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2030, 2030 तक हमारे यहां फोटोवोल्टेस्ट विल रीच अराउंड 3.25 टन्स, 3.25 लाख टन्स, टन ठीक है और 2050 तक ये 4 मिलियन टन तक कभी हो सकता है बिकॉज इंडिया इज ग्लोबली द फोर्थ लार्जेस्ट फोटोवोल्टिक सेल

रिकवर करके स्क्रैप में बेच सकते हैं फिर से रिसाइकल करके एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं इसके बाद में कुछ और लेमिनेट्स को रिसाइकल कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स को हम इंसनेट करके जला करके सीमेंट इंसनेटर्स में उसमें हम क्या कर सकते हैं इनको रिकवर कर सकते हैं फिर से रीयूज करने के लिए लेकिन इन जनरल इन प्रैक्टिस सिर्फ ट्वेंटी ही रिकवर होता है ट्वेंटी ऑफ द वेस्ट इज रिकवर्ड बाकी सब वेस्ट रिकवर नहीं हो पाता ठीक है मतलब हम बोल रहे हैं फिफ्टी परसेंट तक रिकवरी होनी चाहिए ऐसा रिपोर्ट बोलती है लेकिन इन जनरल इन प्रैक्टिस इट इज ओनली ट्वेंटी है और फिफ्टी परसेंट तो वेस्ट होना ही है ऐसा वो रिपोर्ट भी बोल रही है अब ये समस्या कहाँ आ जाएगी समस्या आ जाएगी कि जब ये वेस्ट लैंड फिलिंग में जाएगा या फिर उसको जलाने के लिए जला दिया जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन फ्लोराइड्स हाइड्रोजन साइनाइड्स और ये सारी गैसेस जो हैं ये एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन पैदा करेंगी ठीक है हमको क्या करना है रिसाइकल करना है कलेक्शन करना है सेग्रीगेट करना है वेस्ट को तभी जाकर के हम इस चीज से कर सकते हैं अब हमारे गैप्स क्या हैं कहां कहां गैप्स आ रही है सबसे पहली चीज है कि फोटोवोल्टिक वेस्ट जो है उसको कंफ्यूज किया जाता है ई वेस्ट के साथ इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल ई वेस्ट मोबाइल की बैटरी और फोटोवोल्टिक सेल में अंतर है उसका रिकवरेबल पार्ट ज्यादा है ठीक है तो इसलिए ई वेस्ट के साथ जब हम इसको मर्ज कर देते हैं और सेग्रीगेट नहीं करते तो फिर रिकवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं सेकंड जो बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज रिगार्डिंग द सेगमेंटेशन ऑफ फोटोवोल्टिक्स वेस्ट इट इज सेगमेंटेड अंडर हेजार्डियस वेस्ट उसके ऊपर टैग लग के जाता है कि हेजार्डियस वेस्ट है दैट दैट मेक्स इट मोर लाइक मोर वलनरेबल कि वो Segregate नहीं होगा उसको कोई टच नहीं करेगा बोले वेस्ट है बीमारी तो में, में लोकल सोलर पीवी पैनल बनाने के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कम है और साथ ही साथ लोकल मतलब लोकल से मेरा मतलब इंडिजीनियस इंडिजिनस लेवल पर हमारे यहाँ पीवी सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट्स कम है और जब मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स कम है तो रिसाइकलिंग की भी बट ऑब यूनिट कम ही होगी ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ आर एनडी पे काम नहीं किया गया तो हमको आर एन डी पे काम करना पड़ेगा ई वेस्ट से इसको अलग करना पड़ेगा कैटेगरी को वेस्ट कैटेगरी से अलग एक कैटेगरी बना करके इसको रिकवर करने का प्लान आउट करना पड़ेगा और ये हमको किस लिए करना है क्योंकि हमारे पास में अगले बीस साल के बाद या अगले पच्चीस साल के बाद ठीक है जब हम बहुत बड़े वन ऑफ द टॉप फाइव लीडिंग फोटो वोल्टेक वेस्ट प्रोड्यूसर बन जाएंगे वर्ल्ड वाइड तो उस समय पर हम प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाएंगे इसलिए आज से इंडिया को आवश्यकता है कि इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए फोकस में रखते हुए एक फोटो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग से गाइडलाइंस अलग से रूल्स बनाए जाए जिससे कि फोटो वेस्ट कम किया जा सके चलिए नेक्स्ट देखते हैं नो एवेक्शन फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विच एज बिन इंप्लीमेंटेड बाय अंडमैन एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके अंदर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा एक पावर प्लांट बनाया जाएगा और एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाई जाएगी अब ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए पार्लियामेंट में सवाल जवाब हुए ठीक है तृणमूल कांग्रेस की एम पी सुष्मिता देव ने सवाल पूछा ठीक है कि

कि जो भी प्रोजेक्ट किया जाएगा इट विल बी सब्जेक्ट टू द लोकल इंटरेस्ट ऑफ लोकल ट्राइब्स और लोकल ट्राइब्स वहां पर जिस एरिया में प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वहां पर कौन सी है शोम्पेन ट्राइब शोम्पेन ट्राइब इज ऑल्सो नोन एज इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज अ पीवीटीजी ग्रुप ठीक है एंडमान आइलैंड की अगर हम बात करें सिर्फ एंडमान की तो वहां पर पांच पीवीटीजी ग्रुप पाए जाते हैं ग्रेट एंडमानिस जारवा ओंगेज देन शोम्पेन और नॉर्दर्न सेंटलीस नॉर्थ सेंटलीस तो ये पांच तरह के ग्रुप्स यहां पर पाए जाते हैं अब बेसिकली दिस होल इश्यू इज रिलेटेड विद द राइट्स ऑफ द इंडिजिन इंडिजिनस पीपल दैट इज राइट्स ऑफ द एब ओरिजिनल एंड द डेवलपमेंट तो हमेशा ये एथिक्स में एक डिलेमा uh, होता है कि हम डेवलपमेंट को सपोर्ट करें या फिर उन उन रीजन में ट्राइबल राइट्स को सपोर्ट करें एब ओरिजिनल के राइट्स को सपोर्ट करें क्योंकि एब ओरिजिनल्स आर वेरी मच रिजिट टुवर्ड दर कल्चर बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं कल्चर से और मॉडर्नाइजेशन है ना सोशल मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी ये सब चीजों के लिए से दूर रहने का प्रयास किया जाता है और हमारे यहाँ पॉलिसीज भी है ठीक है हमारे यहाँ कुछ पॉलिसी है कि आइसोलेशन आइसोलेशन में मेंटेन में करने की प्रयास किया जाता है पीवीटीजी ग्रुप को कि उनको आइसोलेटेड रख करके उनको सुविधा देने का प्रयास किया जाए ताकि उनको डायरेक्टली ऐसा फोर्सफुली मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ना धकेला जाए वो जैसे जैसे अडेप्ट करते जाएंगे वैसे वैसे वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनते जाएंगे पर फोर्सफुली उनको हटा करके है ना एकदम से कि हमारी लैंग्वेज सिखाते हमारी टेक्नोलॉजी सिखा दे ये हमारे यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है ठीक है तो बेसिकली वी मेंटेन अ पॉलिसी कि हम धीरे 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 ग्रेजुअली वी विल मेक अ शिफ्ट एकदम से हम नहीं करेंगे ठीक है आइसोलेशन का एक एक परसेंटेज ऑफ आइसोलेशन वी मेंटेन विद द पीवीटीजी ग्रुप स्पेशली तो यही यहां पर चर्चा का मुद्दा है ठीक है एनवायरमेंट के साथ में भी एक मुद्दा रहता है कि एनवायरमेंट पहले माना जाए या डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट जरूरी है एनवायरमेंट ये भी एक डिबेट चलता है डेवलपमेंट वर्सेज द एनवायरमेंट ठीक है इन एथिक्स ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए और ऐसे एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं एससी स्लेम स्टेट साइलेंस ऑन विशेष साइकिल ऑफ हेट अगेंस्ट माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हेट स्पीचेस के वारदात बढ़ते जा रहे हैं ठीक है और हेट स्पीचेस के वारदात जो बढ़ते जा रहे हैं वो एक विशेष साइकिल के तौर पर बढ़ते जा रहे हैं कि एक कम्युनिटी दूसरे के लिए हेट स्पीच निकालती है दूसरी कम्युनिटी इसके लिए निकालती है

ये रिटर्न हो सकता है ओरल बाय वर्ड्स बाय रिटर्न वर्ड्स ठीक है किसी भी माध्यम से हेट को इंस्टिगेट करने वाले जो मतलब हे, हेट को इंस्टिगेट करने वाले जो शब्द हैं ठीक है थेके? और कैसा हेट हेट अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल किस यूनिक से, तो से, से, से या फिर रिलीजन से, या कास्ट से, तो किसी कास्ट के अगेंस्ट में बोलना दिस इज कंसिडर्ड एज हेट स्पीच ठीक है बट देर शुड बी सबस्टेंशियल इंसाइटमेंट ऑफ वॉयेंस एलिमेंट इन दट ठीक है उसकी वजह से वो स्पीच की वजह से वॉयलेंस इंसाइट हो ठीक है तभी उसको हेट स्पीच की कैटेगरी में पनिशेबल ऑफेंस के तौर पर माना जाता है बाकी नहीं माना जाता पास में बहुत सारे केस भी हुए हैं कि पॉलिटिशियंस आर यूजिंग हेट स्पीच एज अ मीडियम टू पोलराइज द वोट बैंक ठीक है हिंदू नेता है हिंदुत्व तो की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं एंड इफ स्पीक समथिंग अगेंस्ट द मुस्लिम्स तो नॉर्मली वोट क्या होगा मुस्लिम्स और हिंदू में बढ़ जाएगा फिर हिंदू वाला जो व्यक्ति है वो किसको वोट देने का प्रयास करेगा हिंदू लीडर को पर मुस्लिम्स जो है वो अलग हो जाएंगे तो ये पोलराइजेशन के लिए भी कई बार ऐसी चीजें की जाती है वही सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कोर्ट किया कि अगर आप पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट कर दो रिलीजन ऑन पॉलिटिक्स इफ दीज टू थिंग्स आर सेपरेटेड then the chances of hate speech will reduce. the same thing the Supreme Court has urged in this particular article इन the main cause of hate speech or vicious cycle of hate speech speech is the mixing up of two things politics and religion ठीक है और जब राजनीति के साथ रिलीजन जुड़ जाता है तो पोलराइजेशन भी होता है धर्म के नाम पर दंगे भी होते हैं धर्म के नाम पर वोट भी मांगे जाते हैं और ये सब भारत में चलता है ठीक है दो पनिशेबल भी है ठीक है लेकिन फिर भी चल रहा है ठीक है हेट स्पीच कभी बन नहीं होते और ये ज्यादातर पॉलिटिक्स की वजह से ही होता जाता है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वेयर इज द कंट्री मूविंग वेयर इज द कंट्री हेडिंग टूवर्ड्स ठीक है तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं अगर इन चीजों को रोकना है आज ही तो रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग कीजिए और स्टेट को इस तरह में कदम बढ़ाने चाहिए चलिए हेट स्पीच एक ज्वलंत मुद्दा है क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीन्स में चलिए इंडिया नीड्स पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन कड़िया जी को आप पहचानते होंगे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा है कि पहले 20 साल की सर्विस में जब तक इनको पब्लिक पॉलिसी की एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी तब तक इनकी पब्लिक पॉलिसी को देखने का पब्लिक पॉलिसी बनाने का इंप्लीमेंट करने का नजरिया अलग था और जब इन्होंने एक फॉर्मल एजुकेशन ली पब्लिक पॉलिसी की फील्ड में ठीक है देन हेज विजन ठीक है देन हेज वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड पब्लिक पॉलिसी चेंज्ड ठीक है पब्लिक मैनेजमेंट किस तरीके से करना है वो चेंज हो गया पब्लिक मैनेजमेंट का मतलब पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिशन बोथ ठीक है तो इनका कहना है कि देयर शुड बी अ सर्टन एलिमेंट ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट स्टडीज इन सिविल सर्वर्स फॉर सिविल सर्वेंट्स जिससे कि हमारे यहाँ का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो सुधरे इनका कहना है कि जो जो लोग सिविल सर्वेंट्स बन जाते हैं और उनको एक इफेक्टिव पब्लिक मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में नहीं पता होता तो दे कैन नॉट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मेक पॉलिसीज दे कैन नॉट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इंप्लीमेंट दो इनका कहना है कि पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन शुड बी प्रोमोटेड इन सिविल सर्विस इन्होंने इसके लिए तीन सजेशन दिए सबसे पहला सजेशन दिया कि यूपीएससी में एक परमानेंट पेपर के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए नॉट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इट शुड बी अ परमानेंट पेपर सेकंड इन्होंने बोला जब इंडक्शन के लिए व्यक्ति आए ठीक है जब इंडक्शन के लिए सिविल सर्वेंट आए तो उस पर्टिकुलर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर शेयर डिसाइडेड होना चाहिए कि इतना हम पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाएंगे पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाएंगे और तीसरा बोला गया गवर्नमेंट शुड लुक ऑन ऑप्शन की बाहर से लेटरल एंट्री कर ले लेटरल एंट्री मतलब कुछ ऑलरेडी जो ग्रेजुएट पीपल्स हैं ग्रेजुएट्स इन द फील्ड ऑफ पब्लिक पॉलिसी दे शुड बी टेकन डायरेक्टली पिकडअप डायरेक्टली इन सम न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफिस ठीक है जिसमें इन्होंने कहा कि पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट की एक नई पोजिशन बनानी चाहिए जिसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट कैन रिक्रूट दोज पीपल हुआ आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द पब्लिक पॉलिसी डोमेन तो उनको लेकर के अगर हम आएंगे तो ये इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा पब्लिक पॉलिसी बनाई कैसी जाए उसकी इफेक्टिवनेस दे बढ़ाएगा और एफिशिएंटली उसको इंप्लीमेंट किया जा सकेगा ये सब इनके सजेशन है तो अच्छे सजेशन है उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने इस आर्टिकल में बताया ठीक है चलिए अगर हमसे एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स पूछे किसी चीज में रिफॉर्म्स पूछे तो हम इनका नाम कोट करके सजेशन दे सकते हैं किस तरीके से करना चाहिए या फिर क्या सजेशन यूपीएससी में रिफॉर्म्स के लिए हमको देना चाहिए वहां पर ये ये आर्टिकल हम कोट कर सकते हैं कॉम्पिटिशन लॉ अमेंडेड टू टाइटन स्क्रूटनी ऑफ बिग टैक फॉर्म्स अभी एक नया कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं ठीक है इसके ये लोकसभा से ऑलरेडी पास हो गया राज्यसभा में पेंडिंग है इसमें जो मेजर चेंज किया गया वो ये किया गया कि पहले दस परसेंट की पेनल्टी लगा सकता था सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है दस परसेंट ऑफ द टोटल एवरेज टर्नओवर ठीक है बट नाउ दिसन ओवर फ्रेस जो है इसको बदल कर, कर दिया ग्लोबल टर्न ठीक है टर्न नॉट ओनली इन इंडिया टर्न फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड जहां से भी पैसा आ रहा हो उसका टोटल एवरेज ग्लोबल टर्न का दस प्रतिशत पेनल्टी लगा सकता है ठीक मतलब है एम एनसीज है एक से ज्यादा कंट्रीज में फंक्शन करती है ठीक है उनके ऊपर थोड़ा सा टाइटन अप करने के लिए यह अमेंडमेंट किया जा रहा है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है स्टैट्यूटरी बॉडी है उजेंड नाइन पर एक्ट आ गया था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट इन टू थाउजेंड टू इसका स्ट्रक्चर देखे तो एक चेयरपर्सन है सिक्स मेंवर्नमेंट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है ठीक है गवर्नमेंट अपॉइंट एम क्या है टू इंश्योर फ्री एंड हेल्थी फ्री फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी आर्थिक गतिविधियां देश के अंदर चल रही है है उसमें फेयर फेयर वो fair हो, वो हो ठीक मोनोपोलिस्टिक ना हो ठीक है कंपटीशन सही तरीके से हो हेल्दी कंपटीशन हो ये मेंटेन करना ऐसा ना हो कि कोई बड़े प्लेयर्स जाकर के छोटे प्लेयर्स को खा जाए ठीक है उनको बिजनेस ना चलाना चाहिए मोनोपोली क्रिएट करने के लिए तो ये चीज अवॉइड करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था और ये एक्ट लाया गया था 2002 में और 2009 में हमने कमीशन स्टैब्लिश किया चलिए नेक्स्ट देखते हैं चीता जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर है सियाया की जिन्होंने चार बच्चे दिए हैं अभी ठीक है फोर कप्स एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 1952 जब ये स्पीशीज चीता स्पीशीज वर डिक्लेयर्ड एक्सटेंट इन इंडिया उसके बाद पहली बार 1952 के बाद पहला बार किसी चीता ने इंडियन सॉइल पर बर्थ दिया और फोर कप्स को बर्थ दिया ठीक है अब ये कहा चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं चीता वे री इंट्रोड्यूस्ड इन लास्ट ईयर लास्ट ईयर चीता रि इंट्रोड्यूस किए गए थे कहाँ किए गए थे कूनो नेशनल पार्क में शनल पार्क वॉज अर्लियर स्टैब्लिड एजल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्टैब्लिश हुआ था लेकिन अड़चने आ रही थी चीता को लो, रीलोकेट करने के लिए रीइंट्रोड्यूस करने के लिए इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया फिर बाद में 2018 में कूनो नेशनल पार्क इज इन एम पी शिवपुर डिस्ट्रिक्ट शिवपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी में है ठीक है और टोटल ट्वेंटी चीतास आर इंट्रोड्यूस्ड ट्वेंटी चीता यहां पर आ चुके हैं एट फ्रॉम नामीबिया ठीक है नामीबिया से फ्रॉम साउथ अफ्रीका ठीक है दस आठ चीते नामीबिया से और बारह चीते साउथ अफ्रीका से टोटल बीस चीते आ चुके हैं अब चार चीते और बढ़ गए क्योंकि चार नए चीतों को जन्म दिया है सियाया नाम की एक चीतन ने चलिए तो दिस इज ऑल फॉर टूडेस करंट अफेयर डिस्कशन डेली न्यूज रिव्यू अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज क्लिक ऑन द बिलो लिंक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इंड फैमिली अगले सेशन में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद